हरे कृष्णा मित्रों, दुनिया में लोगों को लगता है कि बस सात अजूबे ही हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का ये श्री मंदिर इन सभी अजूबों से ज्यादा रहस्यमय और आध्यात्मिक है। पुरी में स्थित इस मंदिर ने फिजिक्स के सिद्धांतों को चुनौती दी है। इस मंदिर पे लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, अतः इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले रहस्य हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिन्हें विज्ञान को समझने में अभी भी वक्त लगेगा, लेकिन आध्यात्म और सनातन संस्कृति का अध्ययन करने वालों के लिए ये रहस्य छुपे नहीं हैं। इन सभी लीला और कारणों के बारे में हमें ज्ञात है। मैं आपको उन्हीं में से कुछ रहस्य के पीछे छुपी कथा सुनाऊंगा। आपने कई बार सुना होगा कि इस मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती, जबकि समुद्र मंदिर के बगल में ही स्थित है। जैसे ही मंदिर में घुसा जाता है, लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है, और जैसे ही मंदिर के बाहर आया जाता है, समुद्र की आवाज बिल्कुल साफ होती है। ये कई लोगों के लिए भगवान का चमत्कार होगा, या कोई कहेगा ये मंदिर की बनावट ही ऐसी है। हाँ, ये इनकार करना गलत है कि मंदिर की वास्तुकला सबसे अद्भुत है, परंतु इस आवाज ना आने के पीछे भगवान की एक लीला है। एक रात जब भगवान जगन्नाथ का आखिरी श्रृंगार, जो रात के 10 बजे भगवान के सोने जाने से पहले होता है, जिसे बड़ा श्रृंगार कहते हैं, जिसमें भगवान को तुलसी और बहुत सारी वस्त्रों से सजाया जाता है। जब भगवान का मंदिर बंद हुआ, भगवान सोने की कोशिश कर रहे थे, परंतु पास में समुद्र की आवाजों से उनकी नींद बार बार टूट जा रही थी और वो सो नहीं पा रहे थे। अब हमारे कान्हा सोचने लगे, अगर ससुर जी ऐसे ही आवाज करते रहे तो मैं सोऊंगा कैसे। जिन्हें नहीं पता, माँ लक्ष्मी के पिता हैं समुद्र देव, इसलिए वो भगवान के ससुर लगते हैं। तो अब भगवान सोचते, जगत जननी लक्ष्मी से भी कैसे कहूँ कि अपने पिता को चुप करा लो, सोने नहीं देते। तो भगवान ने अपने अनंत भक्त और प्रेम भाव से भरे भक्त को मन ही मन याद किया, और हनुमान जी वहां आ गए, और मन ही मन भगवान जगन्नाथ हमारे कान्हा बोले, हनुमान तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, एक तुम ही हो जो मेरी हर बात मानते हो। एक काम करो, इस समुंदर की आवाज इस मंदिर में मत आने दो, जिससे मैं सो सकूं। जिनको हमारे हनुमान जी की भक्ति का अंदाजा नहीं, उन्हें छोटी सी बात कहूंगा, हनुमान जी वो हैं जिन्होंने भक्ति और प्रेम की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। उनकी भक्ति की तेज खुद भगवान भी नहीं सह पाते। हनुमान जी वो हैं जो अपना हर एक सांस, अपने जीवन का हर एक पल भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान के इस समस्या को जानकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि उनके होते हुए उनके भगवान को इतना कष्ट हो रहा है। फिर हनुमान जी ने नमामि श्री जगन्नाथ बोला और तन के खड़े हो गए समुद्र के पास, और अपने कानों को बड़ा कर लिया, जिससे लहरों की छोटी से भी छोटी आवाज सुन सके। हनुमान जी ने अपने कान बड़े कर लिए, इसलिए इस लीला को कनपति हनुमान लीला कहते हैं। समुद्र देव ने हनुमान जी को तने देखा और डर गए कि अगर आवाज किया तो कहीं ये मुझे पी ना जाए, पूरा समुद्र सुखा ना दे। उन्होंने अपनी लहरें कम कर दी, और आज भी हनुमान जी वहाँ तने हुए हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस वजह से मंदिर में आवाज नहीं आती लहरों की। इतनी सारी खास बातें हैं इस मंदिर की, परंतु यहाँ एक सबसे खास बात है। जैसे दूसरे मंदिरों में मूर्ति या तो पत्थर की होती है या तो मेटल की, पर जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई बलदेव और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ लकड़ियों की है। यहाँ मूर्तियाँ लकड़ियों की होती हैं, और इन लकड़ियों की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस मूवमेंट को ग्रेट सेक्रेसी में किया जाता है। जिस दिन मूर्तियां बदलनी होती हैं, उस दिन राज्य सरकार द्वारा पूरी राज्य की लाइट कट कर दी जाती है। मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर को CRPF के सैनिकों द्वारा घेरे में लिया जाता है, और इस मंदिर के अंदर किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़े पंडित को दी जाती है, लेकिन इन्हें भी मंदिर के अंदर यूं ही नहीं जाने दिया जाता है। इनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। हर तरफ अंधेरा छाया होता है,
ये सेरेमनी देखने की इजाजत किसी को नहीं होती, यहाँ तक कि उस पंडित को भी नहीं होती जो ये अति शुभ कार्य कर रहा है। मूर्ति बदलते वक्त लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति से एक पदार्थ निकाला जाता है, उस पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और इस नए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों, जिन पुजारियों ने ये सब काम किया है उन्होंने बताया, ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेके ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित चीज उनके हाथों में है, मानो ऐसा है जो खरगोश की तरह उछल रहा हो। किसी को नहीं पता वो चीज क्या है, पर जो लोग सनातन को जानते हैं उन्हें पता है वो क्या है। एक मान्यता ऐसी है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर 5 पदार्थों में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल वैसा ही रहा, वो नष्ट नहीं हो पाया। वह बहुत रोचक कथा है जो भगवान के अपने धाम जाने के बाद हुई, ये मैं किसी और दिन आपको सुनाऊंगा। तो वही हमारे कान्हा का दिल इतना शक्तिशाली था जो नष्ट नहीं हुआ, जिसे बाद में राजा ने मूर्ति में डलवा दिया। इसलिए हर 12 साल में मूर्ति बदली जाती है, क्योंकि वो दिल इतना शक्तिशाली है कि वो लकड़ी को गला देता है अंदर से। और हो भी क्यों ना, कान्हा का दिल शक्तिशाली इतना जिसमें राधा रानी विराजती हैं, जहां अनंत प्रेम है और प्रेम को नष्ट नहीं किया जा सकता। बहरहाल, ये थी भगवान से जुड़ी एक और रोचक बात।